हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 5 बजे से। और फिलहाल 5 बजे उठी हूं पढ़ाई के लिए नहीं, अपने कामों के लिए, जो घर के काम, बच्चों की टिफ़िन वगैरह, पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना है। उस अकॉर्डिंग अपना टाइमिंग भी सेट करना पड़ता है, कितने बजे जगना है, क्या चीज़ तैयार करना है, क्या चीज़ देना है, सब कुछ सोच के रखना पड़ता है। तो फिलहाल देख सकते हैं मैं सुबह सुबह उठ के बच्चे का टिफिन रेडी कर रही हूँ, जो आज लॉन्ग टर्म का स्कूल नहीं है, शॉर्ट्स आया है, थोड़ा सा जाना है, जिसके लिए शॉर्ट्स और छोटा सा टिफिन बॉक्स देना है। इसके लिए मैं अपना ब्रेड जम बना रही हूँ। तो आज है 15 अगस्त, जो फिलहाल आज का ही ब्लॉग है, मैं शूट करी सुबह और आप लोग के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ बच्चे के लिए ब्रेड जाम और टिफिन बॉक्स में यही देने वाली हूँ, जो फिलहाल 2-3 घंटे के लिए है, तो छोटा सा देना है। तो बस यही है टिफिन बॉक्स और छोटू सा बैग देना है, वाली पानी बॉटल, ये सब, बस यही। और बच्चे जाएंगे 15 अगस्त मनाने, रैली होगी स्कूल की तरफ से। जो ये सब करते करते, बच्चों को रेडी करते करते करीब 5:40 हो गए। उस टाइम मैं बच्चों को लेके गई, जो देख सकते हैं इतना सुबह हो गया है 5:40-5:45 तक। और फिलहाल सारे बच्चे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और कुछ बच्चे अभी बाकी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी बेटी को छोड़ के आई और चाय वाय पी, अभी चाय पी ही रही थी, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद चाय पी ही रही थी कि तभी सारे बच्चे इस साइड आ गए। तो मैं भाग भाग के नीचे गई और खुद भी देखी, मेरे बेटे भी देखने के लिए परेशान था तो अपना गए, तो इधर बच्चे अपना जा रहे हैं, जो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और फिलहाल वंदे मातरम, जय हिंद सब चल रहा है। और साउंड फिलहाल इतना ज़्यादा साउंड था, जो मतलब बहुत गूंज रहा था, इसकी वजह से मैं साउंड नहीं लाई, खुद का अपना ओवरवाइज कर रही हूँ। तो इधर बच्चे जा रहे हैं, जो देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो मैं फास्ट करी हूँ, जो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है अपने देश की आज़ादी। जो बच्चे कुछ ना कुछ बने हुए हैं और कुछ अपना सारे के सारे ड्रेस में भी हैं, सब अपना अपना कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, जो पहनना है। तो इधर सारे के सारे जा ही रहे हैं। और आप लोग को कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, आप लोग कैसे हैं, ऐसा करते हैं अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी। और फिलहाल हमारी तो जो चल रही है वो दिखाएंगे ही आप लोग को। और फिलहाल आज का टारगेट बहुत कम हुआ, बहुत कम पढ़ाई करी, जो फिलहाल दिन तक का ही है, इसलिए शॉर्ट दिखा रहा है। रात में तो मैं पूरा करती ही करती हूँ, तो अभी मैं दिन तक का ही ब्लॉग शूट करी, इसलिए बस यही शेयर करूँगी। तो इधर मिनिमम मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 घंटे ही हो पाया है, तो वही पढ़ाई मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल देख सकते हैं मैं बेटी को लेके भी आ गई, 9 बजे करीब छुट्टी हो गया, तो बच्चे आए, इधर नारियल पानी पिए और इतना भीड़ हो गया सारे के सारे। आज 15 अगस्त की खुशी में इतना सब मिठाई उठाई ले रहे थे, इतना ज़्यादा भीड़ हो गया। लेकिन बच्चों को था कि नहीं, मुझे आज ही नारियल पानी पीना है। मैं बोली कि शाम को पिला, नहीं अभी पीना है। तो मैं बच्चों को नारियल पानी पिलाई, उसके बाद घर आ गए, जो घर आने के लिए मैं भी थोड़ा सा स्वीट ले रही, जब भी खाली हो गया तो। और बच्चे देख सकते कितने खुशी, आज मेरे छोटा बेटा का छुट्टी था, क्योंकि उसे पहले ही मना गया था, वो ज़्यादा छोटे हैं, सब हम सबको नहीं लेके गए थे, वाली UKG वाले बच्चों को लेके गए थे। तो इधर लेके आई जलेबियाँ, जो जलेबियाँ ही छन रही थी गर्म गर्म, तो अच्छा लगा लेके आ गई, सोचो हम लोग भी थोड़ा मीठा मीठा खा लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं किचन की आला, जो फ्रिज ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, तो इसको बनाते बनाते कैसे बना है और यहीं पे चल रहा है, इसलिए इसको यहीं पे सेट कर दिया हॉल में, और किचन में कुछ टेबल वगैरह लगा के कुछ सामान वहाँ रखने की व्यवस्था कर दी, क्योंकि जहाँ फ्रिज रहता है सामान तो उस पर लद ही जाता है, तो फिलहाल वहाँ पर रखती थी किचन में फ्रिज के ऊपर कुछ सामान। लेकिन फिलहाल अभी जब हट गया तो कुछ टेबल वगैरह लगाना पड़ेगा, तो जिससे फिर मतलब किचन में बहुत स्पेस हो गया, बहुत सही लग रहा है। तो फिलहाल अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जब बच्चों को लेके आ गई और अपना थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ देखती हूँ। तो आज मैं मैप का बुक उठाई हूँ, जो फिलहाल पहली बार मैप देख रही हूँ मैं, मतलब ऐसे तो लगा रहता है देखती हूँ आते जाते, ये बात की बात है, अभी मैं मैप की पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बात ये पढ़ रहा है। तो फिलहाल अभी मैं मैप देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि थोड़ा इस पर भी अब ध्यान देना चाहिए आते जाते, ताकि याद हो कौन सा देश किससे लगा है, कौन सी नदी कहाँ है, मतलब सब बोलते हैं कि मैप से वो ज़्यादा अच्छे से तैयार होता है, तो बस वही कोशिश है। तो मैप आज मैं खोली, मेरा दिमाग ही घूम गया, समझ में नहीं आया कौन सा क्या है, तो पता नहीं कौन कौन सा मैप था, पढ़ी देखी फिर उसके बाद रख दी, चिपकाने का हिम्मत नहीं हुआ कि मैं चिपका के पढ़ूंगी कैसे। तो फिलहाल इसकी पहले 1-2 क्लासेस देखूंगी, उसके बाद फिर मैं मैप पढ़ूंगी, तभी समझ में आएगा, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं देखा नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं मिल रहा है कि कैसे मुझे मैप पढ़ना चाहिए। तो बस इसीलिए देख के फिर मैं रख दी। और फिलहाल करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, तो मैं कहाँ से तैयार करती हूँ बस मैं वही आपको बताऊँगी, बाकी अपने अपने समझने के ऊपर है। तो करंट अफेयर मैं पढ़ती हूँ उत्कर्ष से, उत्कर्ष ऐप, जो ऐप नहीं सॉरी यूट्यूब पर ही आता है हमेशा डेली सुबह 6 बजे आता है, गौरव कुमार का जो सर का है, मतलब करंट अफेयर डेली आता है। तो आप कभी भी टाइम निकालो अपना, पढ़ते रहो देखते रहो उसको, एक बार दो बार देखो समझ में आएगा, अच्छा रहेगा। फिलहाल मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता है ऑनलाइन, मैं बोलती हूँ ना कि जब भी मैं मोबाइल से देखती हूँ उसको काउंट नहीं करती हूँ, तो ऑनलाइन में मैं वही देखती हूँ, उत्कर्ष से ही करंट अफेयर देखती हूँ। और मेरे को बहुत सही लगता है, समझ में भी आता है, क्योंकि करंट अफेयर है जो हर एक एग्जाम में करंट अफेयर सेम ही आता है, ऐसा नहीं कि दूसरा बदल जाएगा, करंट अफेयर है तो बस वही है, करंट में हर जगह न्यूज़ वही पूछेगा। तो बस इसीलिए मैं उत्कर्ष से देखती हूँ, मेरे को समझ में भी आता है, मेरे को सही लगता है। और बाकी आप लोग की मर्जी, एक बार जाके देखिएगा, अगर सही
ही आता है, समझ में आता है, डेली 6 बजे आता है, फ्री है, कोई दिक्कत है नहीं, कहीं से पैड लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आप उसी को पढ़ते रहो, बाकी एक बुक लीजिएगा। फिलहाल मैं तो यूडोटेरिया खाली हूँ, उसको पढ़ूंगी, वो भी करंट का है, तो करंट का क्वेश्चन हर जगह एक ही रहता है, एक आध बहुत चेंज जगह वो बात की बात है। और रही बात लास्ट में जब भी आता है एग्ज़ाम के टाइम में आय दृष्टि की, उसको मैं लेने की सोची हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के 10 दिन 20 दिन पहले शायद आता है, मुझे भी पता नहीं है, उसको मैं लूँगी। और बाकी तो ये डेली बाई डेली मैं अपना देख ही रही हूँ, और जो बुक ली हूँ उसको थोड़ा बहुत कभी टाइम निकले पढ़ लेती हूँ, कभी नहीं पढ़ती हूँ, तो उस पर अभी ध्यान नहीं दी हूँ, लेकिन डेली पढ़ना है करंट अफेयर, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन उससे रहता है। तो बस आपको आइडिया मिल गया होगा मैं करंट कहाँ से करती हूँ, करंट वहाँ से बहुत सही है, आपकी मर्जी, एक बार जाके देखिएगा, फिर उसके बाद अपना बताइएगा जरूर कमेंट करके, सही है तो अपना उसे कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल मैं उसी से पढ़ती हूँ बस। तो फिलहाल अभी मेरे बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मा कुछ बनाओ, कुछ नया बनाओ, मैं बोली खाना खा लो, नहीं खाना नहीं खाना है, तो इधर मैं उनके लिए फ्रेंच फ्राई बना रही, चिल्ला रही थी फ्रेंच फ्राई बनाओ, तो वही बना रही थी जो बच्चों को पसंद आता है, सारे बच्चों को ये सब पसंद आता है, तो यही मैं बना दी। बच्चे जब भी घर रहते हैं तो उल्टा सीधा डिमांड रहता ही रहता है, तो अभी फिलहाल पढ़ाई, मतलब बच्चों को खिला पिला के फिर मैं पढ़ाई पर लग गई, और मैं भी इसके बीच खाना पीना खा ली, जो दाल चावल बनाए थे और साथ में सब्जी बनाए थे, चोखा बनाए थे, तो लिए उसके बाद फिर से लग गए पढ़ाई में, जो अब सारे के सारे पूर्वालोकन कंप्लीट हो चुके हैं पॉलिटी के। तो अभी मैं ये लूसेंट से पढ़ने वाली हूँ, इसको कंप्लीट करने वाली हूँ, जितने पॉलिटी है इसमें, तो 229 पेज पढ़ के छोड़ी हुई हूँ, वहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, 263 पेज बस बचे हुए, मतलब 30 पेज ही पढ़ने, और लूसेंट पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो बस इसको मैं रात भर में ख़त्म करने वाली हूँ। तो वही मैं बताई कि मैं बस शाम तक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, रात तक का नहीं कर रही हूँ, इसलिए मेरा पूरा हावर आप लोग के साथ नहीं सो पाएगा, 6 घंटे का 4 घंटे का, अभी फिलहाल 2.5-3 घंटे ही करीब पढ़ी थी दिन भर में पूरा मिलाकर टोटली। तो बस अभी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी जब तक फिलहाल फ्री रह सकती हूँ, मेरे बच्चे अभी फिलहाल दिन में जगे हैं तो ऐसे ही करते हैं, और रात में जब भी, इसलिए मैं रात में पढ़ती हूँ कि अब मेरे को ज़्यादा टाइम मिलता है, रात का ही अब टाइम ऑप्शन बना ली हूँ, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई काम का टेंशन नहीं रहता है, सब कुछ। तो अब बस मेरी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी शाम तक, और फिलहाल रात में जो पढ़ती हूँ वो तो अभी काउंट नहीं हो पाएगा। आज का ये ब्लॉग मैं आज ही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ छोटू सा, तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन मेरे लिए टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, और फिलहाल आप लोगों के सवालों के जवाब मैं ऐसे ही देती रहती हूँ, तो वीडियो फुल देखेंगे तो ही मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।